ये कहानी ना तो दिल्ली के सबसे बढ़िया चाय बनाने वाले की है और ना ही सड़क पर बैठे किसी आम दुकानदार की, बल्कि ये दास्तां है लक्ष्मण राव की। दिल्ली की सड़कों की आम दोपहर, लक्ष्मण राव रोज की तरह चाय बनाने और किताबें बेचने में मशगूल हैं। कई किताबों के साथ उनकी दुकान में रखे हैं दो उपन्यास, रामदास और नर्मदा। किताबों की जल्द पर लेखक का नाम ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये वही लक्ष्मण राव हैं जिन्हें अभी आप चाय बनाता देख रहे थे। राव अब तक करीब 16 किताबें लिख चुके हैं जिनमें रामदास खासी लोकप्रिय हुई। रामदास एक हमारे गांव के टीचर थे, उन्होंने सोचा, रामदास के बारे में सोचा था कि रामदास बहुत ही आवारा लड़का है और उसको कैसे बनाना चाहिए, इसलिए उसके तरफ ध्यान देकर उसको आदर्शवादी बनाना चाहा। लेकिन अंत उसका ये हुआ कि उस आदर्शवाद में वो एक दिन पानी में डूबकर मर गया। लेकिन लक्ष्मण के लिए अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना आसान नहीं रहा। चाय वाला होने के कारण प्रकाशकों ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया, लेकिन धुन के पक्के लक्ष्मण ने बदहाली में भी किसी तरह खुद पैसे जुटाकर रामदास छपवाई। लेकिन लक्ष्मण के लिए चुनौतियां ना सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी थी। मैंने काफी मना भी करती थी कि ये छोड़ो, सब बेकार है, और लोग भी कहते थे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है, फिर इससे कुछ मिल नहीं रहा है। अब इसे विडंबना कहा जाए या संयोग कि राव की दुकान हिंदी साहित्य के केंद्र हिंदी भवन के सामने है और 16 किताबें लिख चुके राव को अब भी साहित्य के दिग्गज साहित्यकार के तौर पर अपना नहीं रहे हैं। मैं बाहर उनके लिए चाय का कंटेनर लेके बैठा रहता हूँ कि ये आएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद उनका संयोजक मुझे चाय के पैसे देगा और मैं अपने घर जाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य होता है। बाकी ऐसी कोई भावना नहीं है इन लोगों को कि कोई लेखक आगे बढ़ रहा है। और यही जज्बा लक्ष्मण को आज भी किताबें लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मोहित, सहारा समय, दिल्ली।